अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर पानीपत में श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शहर को अच्छे से सजाया जा रहा है। प्रदेश में इस आयोजन के लिए पानीपत को चुना गया। नासिक के ढोल और पंजाब के बैंड की धुन पर श्री राम का स्वरूप रथ पर सवार होकर निकलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सूफी गायक कैलाश खेर भी शोभा यात्रा में शामिल रहेंगे। अयोध्या में भगवान राम के अवतरित होने की खुशी में मुख्य समारोह की पूर्व संध्या 21 जनवरी को पानीपत में श्री राम की शोभा यात्रा की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। पूरे शहर को सजाया जा रहा है। शहर से गुजर रहे पुराने जीटी रोड पर बीजेपी नेताओं के फक्र से लिखे नारे और बोर्ड प्रदर्शित हो रहे हैं। इन पर लिखा है, तारीख भी बता दी और मंदिर भी बना दिया और बोलो। गौरतलब है कि रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में समाज का हर वर्ग खुशी ही जाहिर नहीं कर रहा। अपनी ओर से शोभा यात्रा को चार चांद लगाने के लिए नई नई तरकीबें सोच रहा है। कारीगर रात दिन शहर को भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। इसको हमने राम अयोध्या जैसा ही सजाने की कोशिश करी है। जितना भी हम कर सकते थे उतना हमने पूरी अपनी दिल से काम किया है ये सारा। और रामचंद्र जी को ही उकेरा गया है। रामचंद्र जी के मंदिर वगैरह है और जी रामचंद्र जी है और उनकी लीलाएं उकेरने की कोशिश करी गई है सारी यहाँ पे ना। मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से हूँ, यूपी से, राशिद मेरा नाम है। और ये जो भव्य शो हो रहा है वहाँ पे अयोध्या में, उसके लिए पेंटिंग का कार्य हो रहा है। इससे जो है सौंदर्यीकरण हो रहा है और लोगों में बड़ा उत्साह है। चूंकि शोभा यात्रा के दिन संजय चौक पर आयोजन समिति कुछ खास कर रही है, सो यहाँ के एक प्रतिष्ठित अस्पताल का स्टाफ इस खुशी में अपना आयोजन भी कर रहा है। सुनिए। ये दीपावली का अवसर है। एक बार प्रभु श्री राम त्रेता युग में आए थे अपने वनवास को पूरा करके, और अब कलयुग में प्रभु श्री राम अपने वनवास को पूरा करके घर घर में स्थापित हो रहे हैं। सबसे अनुरोध है, महती संख्या में अपना योगदान दें, इस यात्रा में योगदान दें, इस दीपोत्सव में अपना योगदान दें। संजय चौक पर 21 तारीख को 11,000 दीपोत्सव करेंगे। गौरतलब है कि पानीपत में निकाली जा रही श्री राम की शोभा यात्रा में शहर की सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संस्थाएं स्वेच्छा से सेवा करने को तत्पर दिख रही हैं। 21 जनवरी की शाम 4 बजे निकाली जा रही इस शोभा यात्रा पर पूरे रास्ते फूलों से वर्षा होगी। किस प्रकार से हम रामलला को विराजमान होते हुए भव्य रूप दे सके, उसी की पूर्व संध्या पर 21 तारीख को स्काई लार्क से हम एक विशाल शोभा यात्रा विराट रूप में निकालने जा रहे हैं। हर पंथ के लोग आ रहे हैं, चाहे वो साईं बाबा के लोग हो या अलग अलग, मतलब बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारी मानने की मान्यताएं हैं, छोटे छोटे धर्म भी आ गए, धर्म भी आ गए हैं, तो वो सब भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और नई नई ऊर्जा के साथ नए नए प्रयोग जो है वो कर रहे हैं, स्वागत के लिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं। तो सब लोगों की सहभागिता इस कार्यक्रम में बहुत बड़े स्तर पर होने वाली है। नासिक का ढोल और पंजाब के बैंड के साथ रथ पर सवार श्री राम का स्वरूप देखने को हजारों राम भक्त शोभा यात्रा का हिस्सा बनेंगे। स्काई लार्क से चलकर जोध सचियार गुरुद्वारा तक की शोभा यात्रा के बाद सूफी गायक कैलाश खेर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अपनी प्रस्तुति देंगे। आयोजकों का दावा है कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का नजारा शायद पानीपत में ही दिखेगा। लेकिन 2.5 अक्षर के इस नाम राम की महिमा और खुशी तो सब जगह नजर आएगी। जय श्री राम। पानीपत ब्यूरो से कैमरामैन राजेश कुमार के साथ डिम्पी मल्होत्रा की रिपोर्ट।